चलो जी न्यूज पोर्टल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज आज की खबर बताते हैं। आज की खबर ये है, एक नशे कॉलोनी में एक चोरी को चोरों ने अंजाम दिया दोस्तों। और ये मकान है, आप देख सकते हैं, मीना मोहल्ला की घटना है दोस्तों। मीना मोहल्ला नशे कॉलोनी की चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और काफ़ी आस पड़ोस के लोग यहाँ पर मौजूद। सर क्या क्या चोरी हुआ, क्या क्या, किसका मकान है पहले तो मकान बताएंगे? पहले ये मेरे जिया जी का मकान है, हरीश शर्मा जी का। वो अभी जयपुर गए हुए हैं क्योंकि तो सिस्टर के कैंसर है, जो रेडियोथेरेपी हो रही है लगातार। मकान दोज के दिन से यहाँ सिस्टर गई हुई हैं, तो मकान सूना था, रात में कोई सोया हुआ नहीं था जी। सुबह 4 बजे करीब मेन गेट जो है इसका कुंदा उखाड़ दिया, अंदर लकड़ी का दरवाज़ा है उसको काट के उसके अंदर से प्रवेश किया है। और अंदर के दोनों रूम बिल्कुल के हर अलमारी के ताले तोड़े हैं, लॉकर के ताले तोड़ लिए, पूरी अटैची और पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। और दूसरा दरवाज़ा है वो साध वाला, उसके उससे अंदर की कुंडी खोल के बाहर सुबह निकल के गए। शुभ नाम क्या सर अपना? सूर्य प्रकाश शर्मा। सूर्य प्रकाश जी बता रहे हैं कि नशे कॉलोनी में इनके रिश्तेदार हैं, उनके मकान में चोरी हुई दोस्तों। और वो कहीं परिजनों का इलाज कराने के लिए जयपुर गए हुए थे और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए सर। पुलिस के सभी अधिकारी और डिप्टी साहब, सीओ साहब और एसआई साहब सब आ गए थे। और कुछ मालूम चला सर क्या क्या सामान गया है? नहीं, वो तो सिस्टर तो अभी जयपुर में, वहाँ से चल दी जिया जी और सिस्टर। और जबकि सिस्टर बता रही थी 3 झुमके कान के और 2 अंगूठी तो ये मालूम है, और एक राइफल थी उनकी लाइसेंस शुदा स्वयं की, जिया जी की, वो ले जाते हुए देखे हैं स्थानीय ने। जब उसके बालों में इसके बाद क्या कोई बाकी वो आके बताएंगे। क्या कोई सीसीटीवी फुटेज लग रहा है आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज? तो एक तो प्रताप संस्थान में अभी उसका पासवर्ड नहीं है, 10 बजे करीब आएंगे तो उसको खुलवा के देखेंगे। और स्थानीय पुलिस ने डीएस साइंस एकेडमी का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया है। क्या उसमें कोई पुलिस नजर आया? नहीं, अभी स्पष्ट नहीं है, उसमें नहीं आया है। तो शायद वो डीएस साइंस एकेडमी के आगे होकर निकला नहीं है, तो प्रताप संस्थान के वहाँ जब 10 बजे वो आएंगे पासवर्ड वो बच्चों के देखने। दोस्तों एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया और चोरों ने इस ताले को भी किस ताले को भी दोस्तों तोड़ा गया है बिल्कुल। और यहाँ से ये किवाड़ को काटा गया है दोस्तों, और क्योंकि अभी परिवारजन आने हैं और देखने। दोस्तों इस ताले को पहले यहाँ पर कुंदे को उखाड़ दिया इसको, और उखाड़ने के बाद में इसकी किवाड़ को काटा गया है और चोरों ने यहाँ से प्रवेश किया है। और अभी परिवार के जन जो आएंगे जब बता पाएंगे कितना सामान गया है। और चोरों ने इधर से बाहर निकल गए, वो इधर की भी कुंडी ये ताला खोला गया, अंदर से कुंडी लगा के वो बाहर निकल गए। पुलिस ने SFL टीम आ रही है, इसलिए ताले लगवा दिए। SFL टीम भी आ रही है और लॉक लगा दिया गया है, सबके लॉकर तोड़ रखे, पुलिस ने ताले लगवा दिए, SFL टीम आ रही है। अभी फिलहाल SFL टीम आ रही है और वो जांच करेगी दोस्तों। और इसलिए पुलिस अधिकारियों ने पुलिस के जवान भी यहाँ पर लगाए गए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप, कौन कौन अधिकारी आए? सर अपने सीओ साहब हैं, डिप्टी साहब हैं, वो एडिशनल साहब हैं। क्या सर SFL टीम आ रही है? हाँ, माधोपुर से SFL टीम मंगाई है और वहाँ से आ रहे हैं, अभी रास्ते में चल रहे हैं दोस्तों। अभी SFL टीम आ रही है और इसी के चलते और परिवारजन भी पहुँचने वाले हैं 1 घंटे में करीब, तब हम भी आपको लाइव दिखाने का एक बार फिर से प्रयास किया जाएगा। Yeah, what's that?